हमीरपुर में सिट्टू के बैनर तले सैकड़ों की तादाद में मजदूर यूनियन के सदस्यों द्वारा रैली निकाली गई। इस दौरान केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। सिट्टू के राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा के बजट में 41% कटौती की है। केंद्र और प्रदेश सरकार ने श्रम कानूनों में बदलाव कर दिए हैं जो कि सभी मजदूर विरोधी हैं। देश में स्थिति ऐसी हो गई कि मजदूरों की हालत बंधुओं की तरह हो चुकी है। मजदूरों को अपनी बात रखने पर सजा का प्रावधान किया गया है क्योंकि मजदूर अपनी बात मनवाने के लिए हड़ताल तक नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति देश में उत्पन्न हो गई है जिसका सिट्टू पूरी तरह से विरोध करता है। आज हम लोगों ने जो जत्थे निकाले हैं 3 पूरे प्रदेश में, उसके सिलसिले में आज ये धरना प्रदर्शन हो रहा है और मुख्य मांगे हैं हमारा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा का 41% बजट कम कर दिया, वो बजट बहाल होना चाहिए। केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने श्रम कानून में बदलाव कर दिए जो सारे मजदूर विरोधी हैं। मजदूरों को बंधुआ मजदूर की स्थिति में रहना पड़ेगा, ऐसी स्थिति है। हड़ताल करने पर जुर्माना और सजाओं का प्रावधान किया गया है जो अंग्रेज़ों के ज़माने में भी नहीं था। कल्याण बोर्ड जो है हिमाचल प्रदेश का, जिसके चेयरमैन खुद श्रम मंत्री है विक्रम सिंह, वो एक तरह से पंगु संस्था बन गई है। पिछले 3 सालों से जो मजदूरों को साइकिल, इंडक्शन और जो लाभ मिलने हैं वस्तुओं के, वो नहीं मिल रहे हैं। और पिछले कोरोना पीरियड के दौरान नहीं, जो हमारी मांग थी 7,500 रुपया मजदूरों को, 2,000 रुपया कल्याण बोर्ड से दिया गया। हमीरपुर में ही कम से कम 4,000 मजदूर ऐसा है, 4,000 से भी ज़्यादा मजदूर है जिनको पैसा आया ही नहीं है। हम बार बार कल्याण बोर्ड के दफ्तर जाते हैं, मजदूर जाता है, कोई सरकार की तरफ से तवज्जो नहीं है, ना कल्याण बोर्ड की तरफ से है। और जो मजदूरों को मनरेगा के काम मिलने चाहिए, 100 दिन का रोजगार का गारंटी का कानून है 2005 में पास हो गया, आज तक वो लागू नहीं हो रहा है। DC के आदेश हो गए, BDO के आदेश हो गए, पंचायतों में काम आज भी ठेके पर चल रहे हैं। सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है नहीं इस प्रदेश के अंदर। और जो कानून बन भी गए हैं मजदूरों के पक्ष में, उन कानूनों को लागू नहीं किया जा रहा है। इसलिए जो है आप अंदाज़ा नहीं करेंगे, पिछले 9 महीने से कल्याण बोर्ड में जो पंजीकरण की कापियाँ ख़त्म थी अब आई है, अब बन नहीं रही है। तो मजदूर जो है, जो मेहनत करने वाला है, उस पर हमला है। कश्मीर सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश कल्याण श्रम बोर्ड के चेयरमैन विक्रम सिंह हैं जो कि बोर्ड में सुधार करने में पूरी तरह से असफल सिद्ध हुए हैं। पिछले 3 सालों से मजदूरों को साइकिल व अन्य सामान के लाभ नहीं मिल रहे हैं, उन्होंने उनसे वंचित रखा गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में मजदूरों को 7,500 रुपये दिए थे लेकिन कल्याण बोर्ड द्वारा 2,000 रुपये दिए गए हैं। हमीरपुर जिला के लगभग 4,000 से अधिक ऐसे मजदूर हैं जिनको अभी तक एक भी पैसा नहीं पहुंचा है, लेकिन सरकार की ओर से इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि 17 मार्च को मजदूरों की तादाद में शिमला पहुंचकर विधानसभा का घेराव करेंगे और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। उन्होंने सरकार से मांग की है कि मजदूरों के सामान को वितरित किया जाए। उन्होंने कहा जो कोरोना काल में मजदूरों का पैसा जारी नहीं हुआ है उसे तुरंत जारी करें। उन्होंने कहा कि विधानसभा घेराव करने के लिए हमीरपुर से 1,000 कार्यकर्ता शिमला जाएंगे। 17 मार्च को हजारों की तादाद में मजदूर जो है शिमला में विधानसभा को घेरेंगे और सरकार को गहरी नींद, जो सरकार सो गई है, गुंगी बहरी सरकार है, कोई मतलब नहीं मजदूरों से इनको, ये इनको सिर्फ वोट से मतलब है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसलिए जो है हमें कहना चाहते हैं कि ये जो मजदूरों का सामान है ये इसको तुरंत वितरित किया जाए, अधिकारियों को अधिकार दिए जाए, यहाँ जो लेबर अफसर है, लेबर इंस्पेक्टर है उनको, और जो 2,000 रुपया मजदूरों का आया है कोरोना पीरियड का नहीं आया है उसको तुरंत रिलीज किया जाए। ये सारा मांगे हैं हमारी। और जो मनरेगा का मजदूर है, आप बताइए, दूसरी मजदूरों की दिहाड़ी तो बढ़ रही है थोड़ा बहुत, 300 रुपये आज होगी, इसको 198 रुपये मिलते, वो भी पूरे नहीं मिलते, कहीं 50 रुपये मिलते हैं, कहीं 75 मिलते हैं, कहीं 100 मिलते हैं। तो हमारा मांग ये है कि जितना दूसरे मजदूर को न्यूनतम वेतन मिलता है वो इसको भी मिलना चाहिए। इसलिए इन तमाम मुद्दों को लेकर आज ये हमारा कार्यक्रम है और आगे विधानसभा घेरने की पूरी तैयारी है। हजारों, 1,000 से ज़्यादा मजदूर जो है हमीरपुर जिले से जाएंगे, 1,000 से ज़्यादा हर गाँव से।